तो 36 × 10^21 ऑप्शन ए। द रेडियस ऑफ अर्थ इज अबाउट 6400 किलोमीटर एंड दैट ऑफ मार्स इज 3200 किलोमीटर। द मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 times मास ऑफ मार्स। एन ऑब्जेक्ट वेज 200 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो इट विल वे ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स। ठीक है, वेट क्या होता है, एम इंटू जी। तो वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई वेट ऑन मार्स हो जाएगा जी ऑन अर्थ जी ऑन मार्स। मास तो सेम रहता है ना, ठीक है, जी ऑन अर्थ हो जाएगा आपका जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और ये जी इंटू मास ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मार्स रेडियस ऑफ मार्स रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, वेट ऑन अर्थ आपको बोल दिया गया है 200 न्यूटन, तो वेट ऑन मार्स कितना होगा, ये क्वेश्चन है ना। अब मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मार्स का रेशियो दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ इज 10 times मास ऑफ मार्स, तो मास ऑफ अर्थ इज 10 times मास ऑफ मार्स, मतलब ये 10 हो गया। ठीक है, और रेडियस के बारे में क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 और रेडियस ऑफ मार्स इज 3200। ठीक है, तो 32 × 4 मतलब 2.55 है ना, तो 200 बाय वेट ऑन मार्स इतना हो गया, तो वेट ऑन मार्स 200 बाय 2.5 मतलब 80। ठीक है, यहाँ से आपका वेट ऑन मार्स हो जाएगा 200 बाय 2.5 मतलब 80। द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर 10^3 मीटर एंड 10^12 मीटर। एक सेकेंड, चिड़िया को भगाते हैं। द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट फ्रॉम द सन आर 10^3 एंड 10^12 13 एंड 12। द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, हमें पता है टाइम पीरियड का रेशियो जो होता है वो डिस्टेंस के या ऑर्बिट के रेडियस के 3/2 के पावर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड का रेशियो आपका डिस्टेंस का रेशियो 3/2, तो 1 किलो डिस्टेंस 13 है, 1 किलो 12 है, तो 10^3/2 मतलब क्या, 10 का स्क्वायर रूट का 3 बार पावर है ना, यानी 10√10। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वेयर प्रोपोर्शनल टू 1/r, और अभी तो आपको पता है अभी 1/r² होता है, लेकिन बोल रहा है कि अगर आप इमेजिन करो 1/r होता, देन अ पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड हैव इट्स ऑर्बिटल स्पीड प्रोपोर्शनल टू, तो आप जो फॉर्मूला याद किए हो बुक से वो इस मतलब ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है उसके लिए वो फॉर्मूला है। ठीक है ना, उसको यहाँ यूज़ मत करना है ना, फिर से शुरू से आपको डिराइव करना होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया 1/r है, ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए स्पीड क्या होगा, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, ये एम मास का है, ये स्मॉल एम मास का है, तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो होना चाहिए मास इंटू एक्सेलेशन, है ना। अब सर्कुलर ऑर्बिट में एक्सेलेशन आपका v² / r, ठीक है, और फोर्स क्या हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल टू इतना है ना, तो फोर्स हम लोग क्या बोलते थे, gmm/r², उसका लिए gmm/r बोलेंगे, है ना, क्योंकि फोर्स r² नहीं है, r है, यही बोला क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे v इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, ठीक है, तो r^0। अ सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट एट द रेट ऑफ dm/dt इक्वल टू अल्फा भी, ठीक है, तो एक सैटेलाइट जो है वो डस्ट एक्यूमुलेट कर करके उसका मास बढ़ रहा है, और मास बढ़ने का रेट यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अब आपको बोल दिया गया है ये आपका इंटरप्लैनेटरी डस्ट है इतना, वेयर एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि सैटेलाइट को बोल दिया फोर्स फ्री स्पेस में, मतलब उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है इसी कारण लग रहा है, यही वाला फोर्स जो मास एक्यूमुलेट हो रहा है ना उसके कारण जो फोर्स लगता है, मतलब एक्चुअली में सैटेलाइट ये है और ये वो मास है जिसको एक्यूमुलेट करने वाला है, ठीक है ना, तो इसके कांटेक्ट में अगर तो फोर्स लगेगा तो वो वाला फोर्स लग रहा है, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर, ठीक है, तो आपसे बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट क्या होगा, तो ये तो वही है आपका थ्रस्ट वाला फोर्स होना पता होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे थ्रस्ट वाला फोर्स क्या होता है, थ्रस्ट वाला फोर्स क्या होता है, मास इंटू
dm by dt into v relative, यही होता थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, डीएम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव, ठीक है। अब डीएम बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है अल्फा वी, है ना, वेयर वी इज द स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंड अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। स्टेशनरी इंटरपोलेटेड डस्ट, ठीक है, तो डस्ट स्टेशनरी है और सैटेलाइट वी से चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी वी हो गया, तो आपका फोर्स क्या हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज अल्फा वी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अल्फा वी स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास, मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूँ एक्सीलरेशन का, तो फोर्स बाय मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो अल्फा वी स्क्वायर बाय मास ऑफ सैटेलाइट, तो अल्फा वी स्क्वायर बाय मास वाला ऑप्शन सिर्फ एक है, नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो स्लो डाउन होगा, क्योंकि वो मास एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये सैटेलाइट है, ठीक है, इसका मास एम है और ये डस्ट, सैटेलाइट इस तरफ जा रहा है, एंड ऑफकोर्स डस्ट भले रेस्ट पे है लेकिन डस्ट से टकराएगा तो सैटेलाइट का स्पीड कम होगा ना, तो सैटेलाइट का एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन है, ठीक है, ऑप्शन डी। ये ग्रेविटेशनल चैप्टर में होना नहीं चाहिए था, एक्चुअली में मोमेंटम कंजर्वेशन वाला चैप्टर जो है ना, जैसे वहाँ पे हम लोग वो पढ़ते थे ना, क्या रॉकेट प्रोपल्शन, उस वो वाला केस है ना, वेरिएबल मास सिस्टम वाला क्वेश्चन है, लेकिन जिस बुक से मैंने क्वेश्चन उठाया उसमें दिया हुआ, तो इसलिए डिस्कस कर लिया। ओके, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज इतना, इफ बॉडी इज टू बी प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद वर्टिकल, देन एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी जो होता है, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, किसी भी डायरेक्शन पर जो फेंको एस्केप वेलोसिटी वही रहेगा, ठीक है। तो 11.2 ही रहने वाला, 45 डिग्री है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग निकाले थे, अगर आपको याद होगा तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है बुक में, एनर्जी कंजर्वेशन से डिराइव है, एनर्जी जो है डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अ सैटेलाइट ए ऑफ मास एम इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, अनदर सैटेलाइट ऑफ मास 2m इज एट अ डिस्टेंस 2r, तो टाइम पीरियड क्या होगा। अब टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट क्या होता है, ये होता है, अगर किसी को याद नहीं है तो ये होता है, इसमें मास ऑफ अर्थ आता है, ठीक है, सैटेलाइट नहीं आता है ना, और डिस्टेंस का क्यूब, ठीक है, ऑर्बिट रेडियस का क्यूब बाय टू, है ना, 3/2, ठीक है ना। तो आपको मास भले डिफरेंट है इनका, लेकिन मास से फर्क नहीं पड़ेगा, खाली रेडियस, मतलब ये सर ऑर्बिट के रेडियस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो T1/T2, क्योंकि मास ऑफ अर्थ तो दोनों केस में सेम है, दोनों सैटेलाइट के लिए सेम अर्थ को ही वो लोग ऑर्बिट करें, ठीक है ना। तो एक्स की पावर 3/2 के रेशियो में जो आएगा वही होगा। तो फर्स्ट केस का रेडियस कितना है, आर है, और सेकेंड केस का कितना है, 2r है, ठीक है। तो देयर टाइम पीरियड्स आर इन द रेशियो, तो T1/T2 का रेशियो 1/2 3/2, ठीक है, ओके, 1/2 3/2 मतलब ये 57 में द मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, इट्स एंगुलर स्पीड अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज ओमेगा, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सर्फेस इज जी, तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट शुड बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का रोटेशन, ठीक है। अर्थ का रोटेशनल टाइम पीरियड क्या होता है, 2π बाय अर्थ का ओमेगा, है ना। अब टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट का फॉर्मूला होता है 2π रूट ओवर gm इंटू रेडियस का पावर 3/2, ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दोनों को इक्वल कर दो, 2π कट गया, तो x की पावर 3/2 मुझे इतना दिखा, तो यहाँ से x का पावर 2/3 कर दो, है ना, तो ये जी एम बाय ओमेगा स्क्वायर, इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जी एम बाय ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट मतलब जी एम बाय ओमेगा स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है, और ये 2/3, क्योंकि 3/2 उधर जाएगा तो 2/3, तो 1/3, तो जी एम बाय ओमेगा स्क्वायर का 1/3, ठीक है, जी एम बाय ओमेगा स्क्वायर का पावर 1/3, है ना। अब जी एम का वैल्यू क्या होता है, आपको ये पता है, जी एम बाय आर स्क्वायर को जी बोलते हैं, क्योंकि आंसर में कहीं भी जी एम नहीं है, स्मॉल जी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो हमें पता है, ये चीज़ याद रखना है कि जी एम को बदली जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जी आर स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/3, ठीक है।
ओके, तो जी आर स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/3, ऑप्शन ए। द सैटेलाइट ऑफ मास एम इज मूविंग अराउंड, आर सैटेलाइट होना चाहिए, अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ वेलोसिटी विथ ए वेलोसिटी वी, तो इसका टोटल एनर्जी क्या होगा? तो हमें पता है टोटल एनर्जी जो होता है, वो काइनेटिक एनर्जी का हाफ होता है, नेगेटिव में, ठीक है? नहीं, उल्टा बोला, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है नेगेटिव में, ठीक है? टोटल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी का ही बराबर होता है नेगेटिव में, लेकिन ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब -½mv², ये टोटल एनर्जी होता है। जो भी काइनेटिक एनर्जी, उसके सामने एक माइनस एन लगा दो, वही टोटल एनर्जी हो जाता है, ठीक है ना? तो टोटल एनर्जी -½mv² हो जाएगा। अ प्लैनेट इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन, इफ TVEL स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, टोटल एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। काइनेटिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, टोटल एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम इज अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स, मतलब अबाउट सन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो क्या क्या चीज़ कंजर्व रहता है? पता है टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होते रहते हैं, याद रखना एलिप्टिकल ऑर्बिट में है तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्पीड चेंजेस, ठीक है? स्पीड चेंजेस मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, है ना? और काइनेटिक एनर्जी को लोग टी से नोट कर, है ना, टी चेंजेस, ठीक है? स्पीड चेंजेस मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, काइनेटिक एनर्जी मतलब टी चेंजेस, तो ये तो चेंज होगा। वी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको पता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है, आर चेंजेस, आर चेंजेस मतलब वी चेंजेस, ठीक है? तो वी भी चेंज हो रहा है, टोटल एनर्जी तो हमेशा सेम रहता है और एंगुलर मोमेंटम भी हमेशा सेम रहता है, ठीक है ना? तो एल वी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या क्या पूछा? टी इज कंजर्व, टी इज नॉट कंजर्व, वी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं वी तो ऑलवेज नेगेटिव रहता है, ई इज ऑलवेज नेगेटिव, ई क्या है? ई आपका टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहता है, सही है, ठीक है? ये क्यों है? क्योंकि बाउंडेड सिस्टम है ना, बाउंडेड सिस्टम है ना, बाउंडेड सिस्टम मतलब प्लैनेट तो बंधा हुआ है, या अर्थ के, है ना? प्लैनेट क्या है? बंधा हुआ है ना अर्थ से, दूर तो नहीं भाग जा रहा उससे, ठीक है? बंधा हुआ है ना, बाउंडेड सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम का एनर्जी नेगेटिव रहता है, ठीक है? एल इज कंजर्व बट डायरेक्शन ऑफ एल चेंजेस कंटिन्यूअसली, गलत, एल का मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंट रहता है, डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट, तो खाली सी सही है यहाँ पे। फॉर सैटेलाइट स्केप वेलोसिटी इज 11, इफ सैटेलाइट इज लॉन्च एट एंगल 60 डिग्री, स्केप वेलोसिटी क्या होगा? वही रहेगा, क्योंकि स्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है? प्रोजेक्शन के डायरेक्शन पे डिपेंड करता ही नहीं है ना, इसलिए सेम रहेगा। इफ द मास ऑफ द सन वेयर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट वेयर 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो जी का वैल्यू अभी वाले जी से 10 टाइम बढ़ा दिए, और मास ऑफ सन भी 10 टाइम बढ़ा दिए, ठीक है? तो क्या होगा? रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर, ऑफकोर्स रेन ड्रॉप्स तो अर्थ पे गिर रहे हैं, और अर्थ पे गिरने के लिए जी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? तो जी का वैल्यू क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये कैपिटल जी 10 टाइम्स बढ़ा है, तो अभी न्यू जी भी 10 टाइम्स ऑफ ओल्ड जी हो जाएगा, ठीक है? तो न्यू जी 10 टाइम्स ऑफ ओल्ड जी है, मतलब आपका जी का वैल्यू बढ़ गया है, तो आपका रेन ड्रॉप फास्टर गिरेगा, सही बात है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा हम लोग से, जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, तो ये तो जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, ये गलत है, क्यों? क्योंकि जी ऑन द अर्थ क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर, और जी चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज होगा, ठीक है? ये स्टेटमेंट गलत है, तो नॉट करेक्ट में यही होना चाहिए, बाकी भी देख लेते। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल डिक्रीज, टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, जी बढ़ा है ना, जी तो बढ़ा है, इसी तरह टाइम पीरियड घटा है, ठीक है? ये स्टेटमेंट भी सही है। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड विल बिकम मोर डिफिकल्ट, हाँ जी बढ़ गया है तो वॉकिंग ऑन द ग्राउंड विल बिकम मोर डिफिकल्ट, ठीक है? तो हर चीज़ जी के बढ़ने के कारण ही हुआ है, जी मतलब स्मॉल जी, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बढ़ गया है, इसके कारण हर चीज़ चेंज हो रहा है, ठीक है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन एन एलिप्टिक ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजिशंस ए बी सी आर के
KB and KC. AC is the major axis and SB is perpendicular to AB. SB is perpendicular to AB. SB is perpendicular to AC होना चाहिए. SB is perpendicular to AC. At the position of the sun, S as shown, ठीक है, S sun का position है, तब क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे सबसे कम separation है, सबसे ज़्यादा kinetic energy होता है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा separation से कम kinetic energy होता है, बीच में separation, सबसे कम separation से थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा separation थोड़ा छोटा है, तो वहाँ पे kinetic energy बीच का रहेगा, है ना, ऐसे यहाँ सबसे ज़्यादा है, फिर स्लो होते 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 तो सबसे कम यहाँ पे, फिर फास्ट होते 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 सबसे ज़्यादा फास्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच का कुछ होगा, ठीक है, तो ये वाला वेलोसिटी इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बी विल बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी एट ए बट ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट सी, ठीक है, क्योंकि स्पीड एट बी आपका ग्रेटर है स्पीड एट सी से और छोटा है स्पीड एट ए से, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी ये वाला फॉर्म फॉलो करेगा, ठीक है. A body weighs 200 Newton on the surface of Earth. How much will it weigh halfway down to the center of Earth? तो okay, तो surface of the Earth पे 200 Newton है. तो यहाँ पे weight कितना होगा? यहाँ पे weight suppose W1 है और यहाँ पे weight W2 है. ठीक है ना? Halfway through center, center के आधा radius के करीब चल गया है ना? मतलब ये r by 2 है. ठीक है, और ये R है ना, ठीक है, तो यहाँ पे वेट और यहाँ पे वेट का वैल्यू पूछा है, तो W2 डिवाइडेड बाय W1, तो वेट एट 2 हो जाएगा mg2 और वेट एट 1 हो जाएगा mg1, ठीक है, g1 तो g0 के ही बराबर है, g1 तो सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ पे g0 होता है ना, और g2 क्या है, कुछ नीचे है, कितना नीचे है वो बताता हूँ मैं, तो ये डेप्थ भी आर बाय 2 के बराबर है, है ना, तो g2 हो जाएगा g0 1 माइनस dy r, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना डेप्थ के साथ, और ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, ये मत सोचना जब डेप्थ कम होगा कंपेयर टू रेडियस तब वैलिड है, वो हाइट के केस में होता है, डेप्थ के केस में हमेशा वैलिड है, ठीक है, तो 1 माइनस डेप्थ बाय r, डेप्थ r बाय 2 है, रेडियस r है, तो हाफ हो गया, ठीक है, तो W2 इज़ हाफ ऑफ W1, मतलब 200 का आधा, मतलब 100. Work done to raise a mass m from the surface of earth to a height h which is equal to radius of earth. अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ के यही लग रहा है कि मास क्या स्टेशनरी है, ठीक है ना, तो मास अगर स्टेशनरी है तो यहाँ पे भी रेस्ट पे है मास और यहाँ जब पहुँचा है तब भी मास रेस्ट पे है, ठीक है, तो ये आपको बोला गया आर है और ये भी आर है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जगह रेस्ट पे है, तो आपसे पूछा है वर्क डन, तो वर्क डन यहाँ पे क्योंकि रेस्ट पे तो काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, तो वर्क डन वी विल इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, gmm बाय फाइनल माइनस gmm बाय फाइनल सेपरेशन फ्रॉम सेंटर, फाइनल सेपरेशन कितना है 2r है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm बाय इनिशियल सेपरेशन फ्रॉम सेंटर विच इज़ r, ठीक है, तो ये gmm बाय 2r हो जाएगा, अब gm होता है gr स्क्वायर, उसको यहाँ पुट करेंगे तो है mgr/2 option 3, ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछ लेना, अंटिल देन बाय.